ब्रेक बाद एक बार फिर स्वागत है। उत्तराखंड में भी चुनावी पारा चढ़ने लगा है और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने मसूरी की जनता से चुनाव को लेकर बातचीत की। इस दौरान मसूरी वासियों ने राजनीतिक दल, सरकार और चुनावी मुद्दे को लेकर खुलकर बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। इस समय मौजूद है बंगलों की कांडी में। ये गांव वो गांव है जहां के लोग कैंप्टी फॉल के अंदर व्यापार करते हैं और पूरी तरीके से सक्षम लोग हैं। हमारे साथ यहां की आम जनता है, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ युवा हैं। हम उनसे जानेंगे कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उनमें क्या कुछ मुद्दे रहेंगे। तो हम बात करेंगे यहां पे, सबसे पहले हमारे साथ राजेश नौटियाल है जो भाजपा नेता है, उनसे हम जानेंगे कि 2022 में किस तरह के मुद्दे। सर, अगर बात की जाए, अगर विधानसभा चुनाव के 2022 में चुनाव है, आपकी भाजपा की सरकार यहाँ पे है, आगे के लिए 2022 में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे भाजपा के? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास करना है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड का निर्माण किया, उत्तराखंड का निर्माण भी हमने किया है और उत्तराखंड को सजाने संवारने का काम भी हम कर रहे हैं और जो कुछ कसर रही वो 2022 में फिर से सरकार बना करके हम पूरा करेंगे। हम कह सकते हैं पिछले 5 सालों के अंदर भारत की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर जो विकास हो रहा है, चाहे सड़कों का निर्माण हो, आप अगर गए होंगे उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ का जो 4 धाम प्रोजेक्ट है, कितनी तेजी से उस पर काम हो रहा है। पहली बार ऋषिकेश से कर्णप्रयाग में रेल लाइन बन रही है, मतलब पहाड़ में रेल का सपना पूरा होने जा रहा है। इस सपने को भारत की सरकार, उत्तराखंड की सरकार पूरी करने जा रही है। आपके पास आएंगे आपके पास, हमारे साथ और भी है आम जनता है, आपसे बात की जाए तो 2022 का विधानसभा चुनाव है, क्या चाहते हो? क्योंकि 3 मुख्यमंत्री भाजपा ने उत्तराखंड को दिए, क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं हम। ऐसा है, हम तो हिमाचल वाला, जो हिमाचल में होता है कि मतलब हिमाचल में पहली बार वो बीजेपी सरकार रही और हम उत्तराखंड में परिवर्तन चाहते हैं। ये सरकार की मनमानी नहीं चलती यहाँ पर और हम चाहते कि बदलाव होना चाहिए भाई। तो कैसी सरकार चाहते हैं, आपके मुद्दे क्या रहेंगे यहाँ पे जो आगे में जो विधानसभा विकास? तो अब जब केंद्र सरकार की है, मोदी सरकार है, मोदी सरकार अच्छे काम कर रही है, पर यहाँ जो उत्तराखंड में है 3-3 मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। इस समय हम चाहते हैं कि थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। आम जनता की राय है कि 4.5 साल से ऊपर का समय भाजपा सरकार को यहाँ पे उत्तराखंड में हो गया है, लेकिन यहाँ की जनता अभी भी परिवर्तन चाहती है कि बदलाव होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव है तो उसमें आपको क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए, कैसी सरकार चाहते हैं? क्योंकि पलायन अभी भी लगातार उत्तराखंड से पहाड़ी क्षेत्रों से जारी है। नहीं काम तो सही हुआ, जो मुख्यमंत्री हैं चेंज हुए, थोड़ा उनसे दिक्कत हो गई, हमें 2-3 हुए हैं लगातार, तो परिवर्तन तो होना ही चाहिए, 5 साल में होना ही चाहिए, अच्छी सरकार आए, अच्छा काम करेगी। लेकिन हम चाहते हैं अभी कि अच्छा काम हो गांव में, विकास में, सारे गांव का सहयोग मिले हमें भी। अच्छा, आप करते क्या है इस सब? हम तो अपना ही काम करते हैं जी, टैक्सी चलाते हैं, रोजगार टैक्सी का है अपना, बस उसी से काम चल रहा है। अच्छा, तो आपका कहना है कि अभी बदलाव होना चाहिए, अभी अगर भाजपा है तो कांग्रेस भी आनी चाहिए, है ना? ये कहना है, ठीक है। आपकी जनता की राय है कि अगर भाजपा रही है तो उसके बाद कांग्रेस को भी रहना चाहिए। कोई टूरिस्ट है यहाँ पे, पहाड़ी बग्वाल का कार्यक्रम इस गांव में हो रहा है, तो यहाँ पे कोई बाहर से आए हुए टूरिस्ट है, उनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ पे इन्होंने क्या कुछ देखा है। क्या नाम है आपका? अरिचा। अरिचा जी, कहाँ से आप? मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी सिटी से। अच्छा, क्या कहेंगे आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पे बंगलों की कांडी में आए हैं? पहले तो मैं आपको कल्चर के बारे में पूछूं, कैसे लगा यहाँ के कल्चर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अपनापन लगता है यहाँ पे आके। हम आज ही आए हैं पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आज ही आए हैं। अच्छा, आपको ये नहीं लगा कि जिस रोड से लेके आप यहाँ पे आए हैं, रोड की क्या स्थिति देखते हैं आप उत्तराखंड के अंदर? रोड टूटी हुई है, अच्छी है या नहीं, कैसी है? टूटी हुई तो नहीं है, काफी अच्छी सड़कें हैं, पर कहीं कहीं पे डेवलपमेंट अभी हो रहा है तो चल रही है। अच्छा, तो देखिए, टूरिस्ट भी कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर डेवलपमेंट, विकास हुआ है, कुछ सड़कें टूटी हुई है लेकिन फिर भी अच्छा यहाँ पे काम हुआ है। हम और लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ पे और लोग हैं, उनकी भी राय पूछेंगे। अगर आपकी बात की जाए तो कैसे, क्या यहाँ पे जो उत्तराखंड में सरकार है भाजपा की, आगे के लिए परिवर्तन होना चाहिए, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार ठीक है, सरकार पर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार का परिवर्तन होना चाहिए,
सब बढ़िया है। जो यहाँ के जो लोग हैं इनकी राय है कि भाजपा सरकार यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे बदलाव होना चाहिए क्योंकि लगातार पलायन जारी है। 3 मुख्यमंत्री यहाँ पे भाजपा सरकार ने उत्तराखंड को दिए है, जो कहीं ना कहीं एक बुरा संदेश आम लोगों के लिए जाता है। फर्स्ट नंबर पे भगवान, दूसरे नंबर पे मोदी प्रधान जी। मोदी प्रधान जी ने हमारे लिए ऐसे करा कि 2 साल हो गए लॉकडाउन हुए लगे, हमारे राशन से ऐसे घर भर दिए, ऐसे घर भर दिए कि हमें तो कमाने की भी जरूरत नहीं मतलब। और मोदी प्रधान का तो हम गुण गाते हैं कि मोदी प्रधान एक तीसरी दो पंच वर्ष तो मोदी प्रधान ने निभा चुके हैं, एक तीसरी पंच वर्ष भी मोदी प्रधान जी को हम चाहते हैं और आएंगे और जीतेंगे। ठीक है, आपने कहा कि भाजपा अच्छा काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो आम लोगों की राय थी उन्होंने कहा है 3 मुख्यमंत्री 4.5 साल में उत्तराखंड को दिए, कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज है। कोई गलत मैसेज नहीं है और ये साधारण सी बातें हैं, हम केवल ये कह सकते हैं और आप सब देख रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की उत्तराखंड के प्रति विशेष कृपा है, विशेष उनका लगाव है और उत्तराखंड विकास की दृष्टि से पूरे देश के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, रोजगार का विषय हो। कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने और भारत की सरकार ने मिलकर के काम किया, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड ऐसा राज्य बना जिसमें 100% वैक्सीनेटेड लोग हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी 2022 में और बहुत मजबूती के साथ 60 से अधिक सीटें हमारी आ रही है और हम फिर से सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी के हमारे टच में है और जरूर कांग्रेस सरकार कांग्रेस में आएंगे। आप उनसे पूछे ना, उनके नाम पूछे कौन है, कोई संपर्क में नहीं है। कांग्रेस जो डूबता हुआ जहाज है वहाँ कोई नहीं जाएगा। ठीक है, कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उन्होंने कहा है। हमारे साथ एक युवा है, उनसे भी हम जानेंगे। आपकी अगर बात की जाए तो हमने देखा है कि यहाँ पे युवा भी है, काफी लोग हैं। 2022 में ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि 2022 में कैसी सरकार आनी चाहिए उत्तराखंड के अंदर? जी, हमारे हिसाब से तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है, हमें तो बीजेपी सरकार अच्छी लगती है, उसने बढ़िया काम करे हैं, जो भी करे हैं, चाहे पर्यटक के हिसाब से हो चाहे किसी हिसाब से हो। यहाँ पे आपके गांव की रोड मैंने देखी है कि बहुत टूटी हुई है, आप कह रहे हैं कि भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है, रोडों के तो बहुत बुरे हाल है, आप कैसे कह सकते हैं भाजपा ने अच्छा कार्य किया है? नहीं, रोडों के बुरे हाल है वो ठीक है, लेकिन उसमें भी कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं है। बाकी हम ऐसा तो है नहीं, ना बीजेपी से है ना कांग्रेस से है। ठीक है, पलायन जा रही है, आप युवा है, आप करते क्या है? मैं तो अपना काम करता हूँ कैंपटी बोल, लेकिन अभी भी पलायन पहाड़ों से हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि भाजपा की सरकार भी रही है, कांग्रेस की भी रही है, किसी ने काम नहीं किया है? ऐसा होना चाहिए, जो यहाँ पे जो पलायन को रोके ऐसी सरकार चाहिए, आपको नहीं लगता? नहीं, पलायन तो रुकना चाहिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, काम अच्छा होगा उसी को आगे हम चाहेंगे, काम करने वाला हो तो हम उसी को चुनेंगे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी है तो बीजेपी को ही चुनेंगे, कैंडिडेट अगर अच्छा आएगा हमारे इस हिसाब से तो उसको आगे लाएंगे, बाकी सरकार। बिल्कुल, देखो यहाँ युवाओं की भी राय है कि जो अच्छा काम करेगा विधानसभा के अंदर या राज्य के अंदर, अच्छा मुख्यमंत्री होगा, उसी तरीके का यहाँ से चुनाव वोट करेंगे, जो बहुत अच्छा प्रत्याशी होगा और जो इनके हित में काम करेगा। नरेश नौटियाल, सारा समय, मसूरी।